नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। बिहार संग्रहालय का जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम बिहार म्यूज़ियम में हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बिहार म्यूज़ियम के परिसर को किस तरह जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर एक कला कह सकते हैं, कला आयोजन किया गया है, कला का मेला लगाया गया है, जहाँ पर अलग अलग स्टॉलें बनाई गई हैं। यहाँ आपको कला विभाग से जुड़ी तमाम पेंटिंग्स और जो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह यहाँ पर कलाकारों द्वारा पेंटिंग लगाए गए हैं और यहाँ पर पेंटिंग का एक मेला लगा हुआ है। कला से जुड़े विभाग के जो भी स्टूडेंट हैं, जो कलाकार हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये मेला जो है 7 अगस्त यानी कि बीते रविवार से, आपको बता दें कि सितंबर महीने तक चलेगी। 1 महीने के इस आयोजन किया गया है इस मेले का और इस मेले में तमाम जो युवा कलाकार हैं आपको वो नज़र आएंगे। सारे कलाकारों की यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं और मेले में जो है हाथ से बने जो बुनकर विभाग के लोग हैं उनकी भी कुछ झलकियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि किस तरह उन्होंने इस मेले में आकर भाग लिया है। पहले सोमवार को भी खुला रहेगा यानी कि 8 अगस्त आज से बिहार संग्रहालय आमजनों के लिए खुला रहेगा। ये फैसला बिहार म्यूज़ियम के अपना दिवस को लेकर लिया गया है। सप्ताह में हर सोमवार को, बता दें कि म्यूज़ियम और जो तमाम सरकारी विभाग, तारा मंडल है या फिर चिड़ियाघर है और म्यूज़ियम, ये तमाम जो जगह हैं इसको बंद किया जाता था, लेकिन स्थापना दिवस को देखते हुए संग्रहालय को सोमवार को भी खोला जाएगा। बिहार म्यूज़ियम के स्थापना दिवस को देखते हुए रविवार से 2 महीने यानी कि आज से 2 महीने के लिए यहाँ पर कला मेला का आयोजन किया गया है। बता दें कि 7 अगस्त बीते रविवार से ही इसकी शुरुआत हो गई है और ये जो कला मेला है इसका आयोजन और इसका लाभ आप कहें कि इसका आनंद आप 18 सितंबर तक ले सकेंगे। 18 सितंबर का इसका समापन होगा। इस दौरान तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर आपको तमाम कलाकारों की कलाकारी देखने का एक अच्छा मौका है और आप चाहें तो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर जो स्टॉलें लगाई गई हैं वहाँ पर कला से जुड़े अलग अलग तस्वीरें आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार म्यूज़ियम के स्थापना दिवस की शुरुआत आज से शुरू कर दी गई है। मेले में लोगों को राज्य की कला और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए प्रदर्शनी, मेले में राज्य के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। 2 महीने चलने वाले इस प्रदर्शनी मेले में प्रत्येक रविवार को लोकगीत और नृत्य कला का आयोजन किया जाएगा। भोजपुरी लोकगीत का आयोजन जो है 7 अगस्त यानी कि बीते रविवार को हो गया है। वहीं मैथिली लोकगीत 14 अगस्त को होगा। मगही, अंगिका, बज्जिका लोकगीत 21 अगस्त को होना है। महिलाओं पर आधारित फिल्म जो है 28 अगस्त को दिखाई जाएगी। ऐसे ही करके आपको बता दें कि 18 सितंबर तक इस मेले का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। पटना या फिर पटना से बाहर जो लोग कला में रुचि रखते हैं, कलाकारी को देखने की रुचि रखते हैं, वो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त हम लोग थे बिहार म्यूज़ियम में और यहाँ पर स्थापना दिवस को लेकर जो है 2 महीने के लिए कला का मेला लगाया गया है। यहाँ पर तमाम युवा कलाकार से लेकर जो आप कह सकते हैं कि अनुभवी कलाकारों के पेंटिंग आप देख सकते हैं, बुनकर विभाग के लोग यहाँ पर हैं और उनकी भी कलाकारी आप जो है वस्त्रों के माध्यम से देखते हैं किस तरह बिहार की लोक संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर आप कला में रुचि रखते हैं, कलाकारों की पेंटिंग देखना चाहते हैं, कलाकारों की जो है कलाकारी देखना चाहते हैं तो आप बिहार म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करें। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं बीना सिंह। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।